सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, बगल में बेल आइकन भी जरूर दबाना ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज भाई और बहनों, मैं आपके लिए बहुत बहुत खुशखबरी लेकर आया हूँ, जो कि उत्तराखंड के मेरे युवा और भाई और बहन हैं जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं भाई बहनों, उनके लिए आज खुशखबरी है भाई, मतलब बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हो आप। इस खुशखबरी को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं भाई बहनों, तो वीडियो पूरी देखिएगा। और वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई बहनों, मैं आपके लिए ऐसी खुशखबरियाँ लेके आता रहता हूँ। जो भी भाई बहन मेरे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नीचे लाल बटन दबाकर और बगल में घंटी का बटन दबाकर उसको ज़रूर दबा लें, ताकि आप जो भी मेरी आने वाली वीडियो है मिस ना कर पाओ। तो चलिए भाई और बहनों, मेरे उत्तराखंड वासियों, देवभूमि के भाई और बहनों, शुरू करते हैं आज की जो मेरी खुशखबरी से रिलेटेड वीडियो है। मेरी भाई और बहनों, आज मैं आपसे जो वीडियो के संबंध में बात कर रहा हूँ, वो है ग्राम विकास अधिकारी BDO और BPDO ब्लेस्ड डेवलपमेंट ऑफिसर जो भी है हमारे BPDO ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, उसके संबंध में UK TRRS ने भाई बहनों कुछ संबंध में पहले इसके संबंध में विज्ञप्ति जारी की थी। उसके कहा गया था कि इसमें जल्द ही इसमें 324 जो है हमारे विज्ञप्ति आने वाली है, किसकी, BDO की, और तुम्हारे BPDO की, उत्तराखंड में VPDO की आने वाले 169। इन पदों पर भाई और बहनों UK TRRS से हमारा जो चयन आयोग है वो क्या करने वाला है, जल्द ही विज्ञप्ति जारी करने वाला है। अब इसके संबंध में भाई बहनों, अभी क्या आया है न्यूज़पेपर में, ग्राम विकास अधिकारी पद में जो शैक्षिक अहर्ता थी भाई बहनों, उसमें शैक्षिक अहर्ता रखी थी BSc यानी साइंस साइड से आपको क्या होना चाहिए, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए BDO पद के लिए, और क्या CCC होना चाहिए, कंप्यूटर में CCC एग्जाम होता है भाई बहनों, वो क्वालिफाई होना चाहिए। अब क्या हो रहा है भाई बहनों, इसमें संशोधन हो रहा है, यानी अब कोई भी फॉर्म भर सकता है, BA आर्ट साइड वाला, BCOM वाला, कॉमर्स वाला, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बारे में संबंध में आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, जैसा कि आपको दिख रहा है 324 पदों पर 29 भर्ती पर जाएगा प्रस्ताव। ग्राम विकास अधिकारी BDO पदों पर सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अहर्ता के संशोधन करने की तैयारी है। इसमें शैक्षिक अहर्ता किसी भी विषय से स्नातक करने पर विभाग विचार कर रहा है। इसमें जो UK TRRS है भाई और बहनों, वो क्या कर रहे हैं, किसी भी विषय पर स्नातक करने पर विचार कर रहा है। इससे अधिक से अधिक अभ्यर्थी को BDO पदों के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। ग्राम विकास विभाग ने BDO के 324 रिक्त पदों पर भर्ती प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा था। BDO पद जिला संवर्ग का है, और लेकिन विभाग ने भर्ती प्रस्ताव जिलावार पदों पर निर्धारण नहीं किया है, जिस कारण चयन आयोग ने प्रस्ताव वापस विभाग को भेज दिया है। तो भाई और बहनों, जिला जो है जिलेवार, अभी जिलेवार नहीं थी इसलिए ये भी भर्ती अटकी हुई है इसी कारण, क्योंकि अब इसमें ज़िले का ऑप्शन होगा कौन से ज़िले के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो। अब ग्राम विकास विभाग दोबारा से भर्ती प्रस्ताव तैयार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक भर्ती सेवा नियमावली में ग्राम विकास विभाग के पदों के लिए शैक्षिक अनिवार्यता स्नातक करने की प्रक्रिया चल रही है, यानी अब क्या हो रहा है, सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको, स्नातक होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका वो मायने नहीं रखेगा, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके लिए अब ये इसमें संशोधन की तैयारी चल रही है भाई और बहनों। वर्तमान में इन पदों के शैक्षिक अर्हता जो रखी गई थी, स्नातक होनी चाहिए विधि और ये विज्ञान कॉमर्स में, और जिसमें कई आवेदन वंचित रह गए थे, यदि विभाग शैक्षिक अर्हता में संशोधन करता है तो किसी भी विषय से स्नातक करने वाले अभ्यर्थी इन पदों का आयोजन करने का मौका ले सकते हैं भाई बहन। एक तो थी फर्स्ट न्यूज़ आपका, जो थी आपकी खुशखबरी, यानी अब कोई भी स्नातक के लिए अप्लाई कर सकता है ये, यदि ये संशोधन हमारा क्लियर यानी पास हो जाता है तो आप सिंपल जो ग्रेजुएशन है भाई और बंधु वो अप्लाई कर सकता है, CCC कोई अहर्ता नहीं है। अब ग्राम जो BPDO से संबंधित जो एक न्यूज़पेपर है और है, वो है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक। पंचायती राज विभाग ने भी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पदों सेक्रेटरी अर्थात स्नातक निर्धारित की थी। विभाग ने 197 पदों पर भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेजा। ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग ने BPDO और BDO की सेवाएं लगभग एक समान है, लेकिन विभागीय स्नातक
स्तर पर शैक्षिक अर्हता अलग अलग हैं, जिससे अब ग्राम विकास ने भी बीडीओ पदों के लिए शैक्षिक अर्हता स्नातक रखने पर विचार किया है। अब दोनों के लिए भाई बहनों बीपीडीओ और बीडीओ के लिए स्नातक रखने के लिए विभाग अब इसमें संशोधन के बारे में चर्चा कर रहा है। जल्द ही आपको इसके बारे में न्यूज आ जाएगा तो मैं आपको जरूर इसके बारे में बताऊँगा। भाई बहनों आपसे कहा कि सम्मुख खुशखबरी है, मैं आपको वीडियो देने का मकसद यही है भाई बहनों कि आपसे कोई भी जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो सामग्री है वो छूटे ना। मैं आपको एक एक पॉइंट के बारे में रूबरू कराऊंगा और आपको पूरी डिटेल से दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई बहनों, ऐसी जो भी न्यूज़पेपर में आते हैं आर्टिकल उनको मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। और जो दूसरी न्यूज आई है भाई बहनों, हाईकोर्ट के 329 पदों पर आवेदन प्रक्रिया अभी टली हुई है, इसके बारे में भी जाने। तो हाईकोर्ट की जो भाई बहनों 26 अगस्त से शुरू होने वाली थी, हाईकोर्ट क्लर्क यानी कनिष्ठ सहायक की थी वो, उसमें 329 पदों पर आवेदन प्रक्रिया टल गई है। 26 अगस्त से इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाने थे, लेकिन हाईकोर्ट ने भी जिलावार पदों का प्रकाशन आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थियों को जिला का विकल्प बनने की सुविधा देने का विकल्प के लिए कहा है। तो इसमें के बारे में आपको बता दूँ तो जो ये भर्ती प्रक्रिया टली है हाईकोर्ट की, इसमें यह हुआ है भाई और बहनों मेरे, इसमें क्या हुआ है, अब जो उच्च न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट है आपका हमारा, वो क्या कहना, उनका कहना है कि इसमें जो वैकेंसी है जिलेवार है, इसलिए आपको इसमें जो कॉलम होना चाहिए वो ज़िले का होना चाहिए और वो किस ज़िले के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो होना चाहिए, इसलिए भर्ती प्रक्रिया अभी टली हुई है। कुछ समय पे आपको इसके बारे में भी, इसके संबंध में भी आपको यूके ट्रिपल एस की साइड में आ जाएगा, तो उसके संबंध में आपको आप लोगों को अवगत करा दूंगा भाई और बहनों। तो ये थी भाई और बहनों आज मेरी दो बड़ी न्यूज जो कि वीडियो बीपीडीओ और उत्तराखंड हाईकोर्ट से संबंधित थी। तो मेरे चैनल पे आप लोग भाई और बहनों देवभूमि वासियों आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में घंटी का निशान जरूर दबा लें ताकि आप मेरी जो आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो मिस ना कर पाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।